सर सुनने में आना कि जवान में संजय दत्त का कमी होने वाला है क्या? जी मैंने देखा उसमें क्या कहते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया में, मतलब आर्टिकल देखा, फिर उसके बाद कई सारे आर्टिकल्स आए, आज तक में भी आया, बीबी में भी आया और बॉलीवुड नाव पे भी आया, कई सारे आर्टिकल्स आए हैं कि संजय दत्त का जवान फिल्म में छोटा सा कैमियो रोल होने वाला है। तो भैया बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा था उसमें KGF 2 में आए थे, जिसमें कि उनका खतरनाक रोल था, जिस हिसाब से उनकी यश से फाइटिंग हुई थी। अब बस ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि संजय दत्त जवान फिल्म में मतलब शाहरुख खान की हेल्प करेंगे, जैसे कि अभी मतलब पठान फिल्म में सलमान खान उनके टाइगर बन के हेल्प कर रहे थे, मतलब शाहरुख खान के, ठीक है। और इस जवान फिल्म में मतलब संजय दत्त इनसे फाइट करेंगे एज अ विलन, जैसे KGF में उन्होंने यश से की थी, या फिर उनका सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे एज अ फ्रेंड, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है। इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से संजय दत्त जैसा बंदा है ना, उसको विलन ही बनाओ, वो विलन पे ज़्यादा जचता है, उसको हीरो के रोल में मत रखो। जिस हिसाब जब से मैंने KGF 2 देखी है, तो मेरे हिसाब से भाई संजय दत्त को विलन बनाओ, वो हीरो के मतलब चारों खाने चित्त कर देता, पानी पिला देता है। तो मेरे हिसाब से ये है। बाकी बड़े बड़े आर्टिकल देखने के बाद भी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि अभी बीच में आया था कि थालापति विजय भी होने वाले हैं और अल्लू अर्जुन भी होने वाले हैं, तो अभी रिसेंटली कुछ खबरें आई थी कि अल्लू अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया फिल्म में, तो उसके बाद फिर दिल टूट गया था, क्योंकि अल्लू अर्जुन को मैं खुश हो गया था कि भाई अल्लू अर्जुन इसमें होने वाला, क्या कहते हैं जवान में होने वाला, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि भाई अल्लू अर्जुन को मैं बहुत ही, वो माँ भाई वो स्टाइलिश स्टार है, ठीक है। और जब उन्होंने रिजेक्ट किया तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, थालापति विजय भाई फिल्म में कुछ अच्छा रोल निभाएंगे, मतलब कैमियो हुई है, तो अब ये संजय दत्त वाला है, तो ये अनाउंस तो हो चुका है, कई रिपोर्टर्स ने, टीवी चैनल्स ने, रिपोर्टर्स ने क्लियर किया है कि संजय दत्त ने हाँ कर दिया इस फिल्म के लिए, कैमियो के लिए। अब कितनी सच्चाई है ये तो संजय दत्त या फिर फिल्म की शूटिंग के दौरान ही पता चलेगा। बाकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये है कि इसका कोई अभी लीगल प्रूफ नहीं मिला, ना कोई ऑफिशियली वो मिला सर्टिफिकेट या मतलब, हालांकि बड़े बड़े चैनल्स ने इसको वो किया है, ये बात है। बाकी एक्साइटेड, हाँ एक्साइटेड इसलिए क्योंकि शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान भैया इस साल पूरे मतलब 2023 उन्हीं का है। जी पठान लाए, ब्लॉकबस्टर, बड़े बड़े रिकॉर्ड, जवान आएगी, जवान तो मेरे को लगता है पठान का बाप निकलेगा, क्योंकि भैया इसमें एटली है, एटली डायरेक्टर है, ये मतलब एक तरह से बॉलीवुड की फिल्म तो है, पर ये साउथ की ही फिल्म है। थालापति विजय, विजय सेतुपति, नयनतारा, बहुत लोग हैं यार, कसम से बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे, कसम से।